आज तक आपने आपकी पेट की सफाई के लिए, कब्ज के लिए जितने भी प्रोडक्ट आजमाए हैं, वो चाहे आयुर्वेद के हों, एलोपैथी के हों, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सबके सब ऐसे रहे होंगे। सबसे पहले उनकी आदत पड़ी होगी, फिर धीरे धीरे उन प्रोडक्टों ने आपकी कब्ज को तोड़ना बंद भी कर दिया होगा, जिससे कि आपको उस दवा को बदलना पड़ा होगा। और धीरे धीरे आपके सामने समस्या ये आई होगी, यदि आपने लंबे समय तक किसी भी प्रोडक्ट को यूज किया हो, किसी भी फार्मेसी के प्रोडक्ट को, कि आपकी जो आंतें हैं वो बहुत कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से गैस और तेजाब आपको निरंतर परेशान करती रहती है। तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। और ये विषय ऐसा जबरदस्त विषय है कि इस जो कुछ मैं आज बताऊंगा, आप इसका प्रयोग करोगे लगभग 1-1.5 महीना, उसके बाद आपको कब्ज के लिए, गैस के लिए, तेजाब के लिए कोई भी उत्पाद किसी भी कंपनी का मेरे द्वारा बनाया गया भी प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्या खाना है, इस विषय पर हम बात करेंगे। बिल्कुल कम से कम बातों में आपको समझाने का जो हमें प्रयत्न करूंगा, सबसे पहले आप जो भी भोजन करते हो उसको खूब चबा चबा करके खाइए। उसके बाद आपको क्या खाना है, आपको वो खाना खाना है जो ऋतु अनुसार, मौसम अनुसार बड़ी सरलता से आपको मिल सकता है। जैसे सर्दियों में संतरे खूब मिल जाते हैं, गर्मियों में अंगूर खूब मिल जाते हैं। जो चीज जिस ऋतु में उगती है उसी ऋतु में खाए। जैसे अब मूली है, सर्दियों का उत्पाद है, परमात्मा के द्वारा दिया गया। अगर आप उसको जुलाई में खाते हो तो उसके अंदर वो गुणवत्ता नहीं होती। जो भी खाओ ऋतु अनुसार खाओ और खूब चबा चबा करके खाओ, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, एक किसी भी फार्मेसी का, किसी भी कंपनी का त्रिफला अर्क ले लो। क्या लेना है? त्रिफला अर्क। त्रिफला अर्क जो है 20-20 ml सुबह शाम आपको लेना है, गुनगुने पानी के साथ 20 ml वो अर्क, 20 ml गुनगुना पानी ले लो, उसके साथ लेना है। खाली पेट भी ले सकते हो, भोजन के बाद भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं आने वाली। अब ये आपके पेट की सफाई के लिए है, लेकिन इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, त्रिफला अर्क के साथ में आप 200 ग्राम आंवले का चूर्ण ले आओ। 200 ग्राम आंवले का चूर्ण लेकर के आओ, उसके अंदर 250 ग्राम मिश्री। कौन सी मिश्री? सीता मिश्री। 200 ग्राम चूर्ण के अंदर, आंवले के चूर्ण के अंदर लगभग 250 ग्राम यानी 1 पाव सीता मिश्री कूट करके मिला लो। और इसको जो है दिन में 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर को, 2 चम्मच शाम को खाना है 1 हफ्ते तक। उसके बाद जो चूर्ण आपका बच गया है फिर इसको एक एक चम्मच खाना शुरू कर दो 15 दिन तक। उसके बाद ये चूर्ण खत्म हो जाए तो चूर्ण और ले आओ, इसी अनुपात में बनाओ, उसको फिर 1 महीने तक सुबह शाम खाना है। और फिर बच जाए या फिर दोबारा आपको लेना पड़े, लगभग 3 महीने तक आपको इस प्रोसेस को करना है। उसके बाद जो है दिन में 1 बार शुरू कर दो। आपकी लगभग ये 3 महीने का प्रोसेस है और आपकी गैस, तेजाब, कब्ज, अफारा, ये सारी की सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब क्यों खत्म हो जाएगी? जिसको सिर्फ नुस्खा देखना था वो यहां से इस वीडियो को बंद करके जा सकता है। जिसको इस लॉजिक को पकड़ना है, उस लॉजिक को पकड़ने के लिए आप इस वीडियो पर थोड़ी देर और रुके रहिए। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है इस नुस्खे के अंदर कि ये हमेशा के लिए जो है इस समस्या को खत्म कर देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिफला की। त्रिफला जो आप अर्क लोगे, उस अर्क के अंदर 1 बहेड़ा, 2 आंवला, 3 जो है, 1 हरड़, 2 बहेड़ा, 3 आंवला, ये अनुपात होते हैं। यानी 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा, 300 ग्राम आंवला, इन सबको मिलाकर के कूट पीस के तैयार किया जाता है। थोड़ा मोटा जो कुटा उसको बोलते हैं। उसको फिर 1 किलो चूर्ण को लगभग जो है 16 किलो पानी में डाला जाता है, फिर उसको उबाला जाता है। उसमें से लगभग 5-6 लीटर अर्क तैयार होता है बड़ी मंदी आंच पर। सारी रात में या पूरे दिन में मुश्किल से 5 या 6 लीटर अर्क तैयार होता है। अब उसके अंदर लिक्विड हो गया, आंवला ज्यादा मात्रा में हो गया,
इसके अंदर जो हरण होती है वो आपके दस्त लगाने का काम करती है, जो बहेड़ा होता है वो दस्त को रोकने का काम करता है, इसलिए हरण इतनी तेज है कि बहेड़े का अनुपात दो किया गया है। हरण उसको जो है आपकी आंतें हैं उन आंतों में रूखापन लेकर के आती, क्योंकि हरण जो है लेखन कार्य करती है, खुरच खुरच के मल को बाहर निकालने का कार्य करती है। अब वो जो खुरच खुरच के मल मल को बाहर निकाला गया है, उस मल की वजह से, खुरचने की वजह से जो आंतों में कमजोरी आती है, उस कमजोरी को बचाने के लिए इसमें आंवले का अनुपात तीन रखा गया है, हरण से दो गुना, मतलब हरण का तीन गुना। तो हरण बाहर निकालेगी, बहेड़ा रोकेगा और आंवला उससे आई हुई उत्पादों को कम करेगा। लेकिन यहाँ पर हम आंवला एक्स्ट्रा और ले रहे हैं, जिससे अगर उस आंवले से कोई बात नहीं बन पा रही है, या आपने पेट सफा खाया है, संत कृपा चूर्ण खाया है, या और भी बहुत सारे चूर्ण हैं, जो भी चूर्ण खाए हैं, यदि उनसे आपको कोई नुकसान हुआ है, हालांकि वो कंपनियां बोलती हैं कि हमारे चूर्ण से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन सत्य ये है जिन लोगों ने यूज किया है उन सबको नुकसान निश्चित रूप से होता है। तो आंवले की मात्रा हमने ज्यादा बढ़ा दी, जिससे हमारी आंतों में खुरच खुरच के जो कमजोरी आ गई, जो हमारी आंतें पतली पड़ चुकी हैं, उन आंतों को आंवला दोबारा से मजबूत कर देगा। हम ऐसी जानकारी आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे जो जानकारी आपके साथ साझा करें उसकी जानकारी आपको फटाक से मिल सके। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गो।